आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर आ गई है और इसका वेट भी था। फाइनली सीबीएसई ने यहाँ पर नए पासिंग क्रिटेरिया को पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। हे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है सीबीएसई बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं और 12th में हैं, स्पेशली जो 10, 12 के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में पूरी क्लासेस पे बात करने वाले हैं। 9th का भी जो है पूरा पासिंग क्रिटेरिया समझेंगे, 10th क्लास का जो है स्पेशली समझेंगे और 11th क्लास यानी कि जो बच्चे 10 पास करके 11th में आ गए हैं उनका भी पासिंग क्रिटेरिया को अच्छी तरीके से समझेंगे, सब्जेक्ट वाइज समझेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो 11th और 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपका साइंस होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पे सारी चीजें बताई गई है। तो पूरा कंप्लीट जो है आज का हम यहां पे वीडियो को इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पासिंग क्रिटेरिया को लेकर सारी चीजें यहां पे डिस्क्राइब कर दी गई है, क्या है पासिंग क्रिटेरिया, कितने नंबर लाने हैं और क्या क्या है रूल, सारी चीजों को समझना बेहद जरूरी होने वाला है। अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो आप लोग अपना बहुत ही बड़ा नुकसान करा बैठेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें अब बदल गई है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग जो है बोर्ड में अब नंबर लाना पड़ेगा। हम वीडियो को शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग के बोर्ड को लेकर हम बात कर लेते हैं। काफी कम टाइम बच रहा है, आप लोग तैयारियों में अच्छी तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन टेंशन बहुत ही सारा है। इसमें 12th के स्टूडेंट्स को तो सबसे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि उन्हें केवल बोर्ड नहीं देना है, बोर्ड देने के तुरंत बाद जो है उन्हें अच्छे कॉलेजेस भी जो है उन्हें सर्च करने हैं। अच्छे कॉलेजेस को लेकर उनको अभी मालूम भी नहीं है कौन कौन से टेस्ट देने हैं, कैसे कैसे उसका सिलेबस होता है और बोर्ड के बाद आगे क्या क्या करना होता है कॉलेज में जाने के लिए, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसे में बेहद इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के लिए हो जाता है ये वाला क्लास, 12th वाला क्लास, क्योंकि बोर्ड के साथ साथ आपकी कॉलेजेस भी है। तो ऐसे में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कोई भी बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए यहाँ पे अलग सर जो है बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आपका सपना भी जो है IIM से जो है MBA प्लस BBA करने का आपका सपना है, तो ये सपना अब आपका पूरा होगा, क्योंकि फिजिक्स वाला इसमें आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। उन्होंने लॉन्च कर दिया है 3 शानदार बैचेस। अगर आपका जो है ड्रीम जो है केवल यहाँ पे जो है केवल जो ड्रीम है आपका यहाँ पे IPMAT को जो है टारगेट करने का है, तो IPMAT यहाँ पे मास्टर क्विज 2024 को लॉन्च कर दिया है यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसका वन एंड ओनली जो है यहाँ पे ड्रीम जो है IPMAT को टारगेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके लिए शानदार बैचेस लॉन्च हुए हैं और शानदार प्राइजेस भी होने वाला है, और ये प्राइज और भी कम होगा, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, पूरा डिटेल समझिए। अगर आप जो है कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और आपका टारगेट बोर्ड तो है ही, बोर्ड के साथ साथ जो है आपका टारगेट जो है IPMAT भी है, देन डेफिनेटली जो है फिजिक्स वाला आपको इसमें भी हेल्प करने वाले हैं। फिजिक्स वाला यहाँ पे एक और बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं शानदार कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप जो है 12th की बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है एक शानदार बैचेस आपके लिए आया है। कौन सा बैचेस है तो आप लोग देख सकते हैं, IPMAT मास्टर क्यूज प्लस, यहाँ पे देख लीजिए प्लस जो है क्या है, कौटिल्य 3.0 जो है पूरी कंप्लीट जो है पैक है यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जिसमें ऑल सिलेबस की जो है आपकी यहाँ पे पूरी कंप्लीट बोर्ड की तैयारी होने वाली है। तो IPMAT प्लस जो है यहाँ पे 12th कॉमर्स की पूरी कंप्लीट सिलेबस की तैयारी, इसके साथ साथ जो है CUET की भी जो है तैयारी आप कर पाएंगे। तो ये तीनों का कॉम्बो प्लान जो है यहाँ पे जो है एक और लॉन्च किया गया है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसकी भी प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना बड़ा कोर्स जो है केवल इतने कम प्राइस में लॉन्च हो रहा है, तो ये मौका, ये गोल्डन मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी टारगेट यहाँ पे जो है IPMAT है प्लस बोर्ड भी है, तो आपके लिए भी यहाँ पे शानदार यहाँ पे होने वाला है। फिजिक्स वाला एक और बैचेस को यहाँ पे लेके आए हैं साइंस वाले बच्चों के लिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं IPMAT मास्टर क्यूज 2024 प्लस में 12th साइंस में क्या है आपका परिश्रम 2.0 जो बैच पूरी तरीके से साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है ये बैच। इसके साथ साथ जो है IPMAT मास्टर क्यूज 2024 का जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट बैच, तो ये दोनों, इसके साथ साथ जो है CUET की भी जो है पूरी कंप्लीट तैयारी, यानी तीनों चीज जो है आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको मिलने वाला है साइंस के बच्चों के लिए। और इसका प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं, इतना कम प्राइस जो है आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। और एक चीज मैं यहाँ पे बात कर दूं, ये जितने भी बैचेस आप लोग लेने वाले हैं, इन बैचेस के साथ साथ जो है आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे गाइडेंस भी मिलने वाला है, क्योंकि ये जरूरी होता है। अगर अच्छी गाइडेंस ना हो देन जो है पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये चीजें कहाँ पे काम आने वाली है और आगे क्या क्या चीजें हैं। तो 12th के स्टूडेंट्स की बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आगे जो है कॉलेजेस में किस तरीके से जाना है, एडमिशन किस तरीके से होता है, कौन से कॉलेज में कैसे जाना है, तो ये पूरा कंप्लीट जो है गाइडेंस आपको मिलता है। इसके साथ साथ सारी चीजें जो यहाँ पे हर एक बैचेस में मिलता है वो क्या मिलता है,
लाइव यहां पे क्लासेस मिल जाती है, नोट्स मिल जाता है, टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, डाउट सेशन आपको मिल जाते हैं और भी ढेर सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाती है। तो यहां पे पूरी कंप्लीट पढ़ाई का जो है वन एंड ओनली सॉल्यूशन आपको यहां पर है। और एक और बेहतरीन ऑफर की बात करें तो आप लोग स्क्रीन पे कोड देखिए SIK500 यानी कि SIK500 कोड को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये प्राइस जो है और भी कम हो जाएगा, इनमें फ्लैट दोस्तों 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मौका मुझे लगता है किसी भी बच्चों को जो है हाथ से नहीं जाने देना है, तो अभी अपने ड्रीम को पूरा करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो में लौटते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड का जो पासिंग क्रिटेरिया है वन बाई वन करके जो है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आया है स्क्रीन पे आप लोग देखिए, ये रहा नोटिस। यहाँ पे जो है 10 और 12 के सारा सब्जेक्ट देख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है काफी सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको सिंपली जो है यहाँ पे सिंपलीफाई करके आपको समझाता हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट्स को डिटेल में समझ में आए। तो ये चीजें मैं सिंपलीफाई करके बताता हूँ, सारी चीजें बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे और ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो बच्चे जानना चाहते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या है पासिंग क्रिटेरिया, कितना नंबर मुझे लाना होगा पास होने के लिए सीबीएसई बोर्ड 2024 के एग्जाम में। तो चलिए यहां पर मैं समझाता हूं आपको वन बाई वन करके। सबसे पहले हम 9th और 11th क्लास को समझते हैं, उसके बाद जो है हम यहां पे 11, 12 को समझेंगे। तो 9th का जो है पासिंग रूल क्या है, सबसे पहले यहां पे पढ़ें 9th क्लास को और यहाँ पे एज वेल एज जो है 10th क्लास को जो है सेम जो है साथ का साथ समझते हैं, क्योंकि 9th और 10th का पासिंग क्रिटेरिया सेम होने वाला है। बोर्ड ने सेम पासिंग क्रिटेरिया 9th के लिए और 10th के लिए रखा है। तो जो बच्चे यहाँ पे 8 पास करके 9th में आए हैं या फिर जो स्टूडेंट्स 9th पास करके जो है 10th में गए हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में, देन आप लोग का पासिंग क्रिटेरिया सेम होने वाला है। सबसे पहले समझिए आप लोग का एग्जाम कितने नंबर का होगा, एग्जाम को समझ लीजिए पहले। एग्जाम होगा आपका 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका साइंस हो गया मैथ हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके ना, सभी के एग्जाम जो है आपके कितने होंगे, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट आपके एग्जाम जो होंगे 80 मार्क्स का होगा। सेम 9th के लिए भी 10th के लिए भी इतने आपका एग्जाम होने वाला। बोर्ड एग्जाम जो आप देंगे 80 नंबर का देंगे। इंटरनल जो है आपका, इंटरनल जो टीचर्स के पास जो मार्क्स होंगे जिसे हम इंटरनल कहेंगे, इंटरनल जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, ये आपके टीचर्स के पास होगा। यानी 20 नंबर आपके टीचर्स के पास होंगे और ये इंटरनल के नंबर हो गए। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 80 और प्लस 20 कितना हो गया आपका टोटल, यहाँ पे 80 और 20 हो जाता है आपके 100 नंबर का। यानी कि आपका हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, हर एक सब्जेक्ट आपका होगा 100 नंबर का, जिसमें 80 मार्क्स आप एग्जाम देंगे और 20 मार्क्स जो है टीचर्स आपको देंगे, तो 80 और 20 आपका हो जाता है 100। ये सभी को ऑलराइट पहले से भी पता है। लेकिन अब पासिंग क्रिटेरिया क्या है, पासिंग क्रिटेरिया ये है, सीबीएसई ने कहा है 9th और यहाँ पे जो आपका 10th है, ये 9th और 10th का पासिंग क्रिटेरिया जो है कंबाइन रहने वाला है। यानी कंबाइन पासिंग क्रिटेरिया जो है आपके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। कंबाइन का मतलब क्या होता है, 80 और 20 जो है मिलाकर आपको पास होना पड़ेगा। इसका मतलब जो है आपका ये जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा इसमें आपको जो है मिनिमम जो है आपको 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। अब इसमें नया क्या है, अब आप लोग कहेंगे ये तो मुझे भी पता है 33 नंबर मुझे लाना होगा पास होने के लिए। नया ये है कि इस बार जो है आपको जो मार्क्स लाना होगा कंबाइन में लाना होगा। कंबाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। कंबाइन का मतलब यह है कि 80 मार्क्स का जो आप लोग एग्जाम देंगे, 80 मार्क्स का एग्जाम में जो आपके मार्क्स होंगे, यानी आप जो भी नंबर स्कोर करते हैं, सबसे मैं कम लेके चलूंगा, इतना कम कोई भी स्कोर नहीं करने वाला, सबसे कम नंबर लेके चलता हूं। मान लिया जो है आप 20 नंबर ही लेके आ रहे हैं, 80 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप केवल 20 नंबर ही लेकर आ रहे हैं। 9th के लिए भी बता रहा हूं, यहां पे जो है 10th के लिए भी बता रहा हूं, दोनों क्लासेस के लिए सेम बताऊंगा, तो साथ के साथ समझिएगा। अगर आपका जो है पेपर खराब गया है, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर खराब जा सकता है, साइंस मैथ, और वहां पे जो है 80 नंबर का जो आप पेपर देके आए उसमें केवल आपके 20 नंबर ही बन रहे हैं, तो टीचर्स ने जो आपको नंबर दिया, क्योंकि 20 नंबर बने हैं, जितना भी नंबर बने आपको टीचर्स तो नंबर देंगे, टीचर्स जो है आपको 20 में से कुछ ना कुछ हो भी देंगे, तो सबसे कम नंबर मैं लेके चलता हूं कि आपको टीचर जो है यहाँ पे कितने दे रहे हैं, 15 नंबर आपको मिनिमम दे रहे हैं और 15 प्लस जो है सभी को मिलने वाला है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप क्लास में एवरेज हो या फिर जो है एवरेज से बिलो एवरेज में भी आते हो तो 15 नंबर जो है सभी को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, तो 15 नंबर सबको मिलेगा। तो यहाँ पे कंबाइंड पासिंग क्रिटेरिया भी यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे आप लोग देखिए कितना होगा, 20 और प्लस 15 कितना हो जाता है टोटल, 20 और यहाँ पे जो है 15 हो जाता है 35 नंबर।
अब आप लोग जो है यहाँ पे जो है इतने कम नंबर लाने के बावजूद भी पास हो जाएंगे, क्योंकि पासिंग रूल आप लोग का क्या है, कंबाइन वाला है। कंबाइन में क्या हो जाता है, 20 और 15 हो जाता है 35। आपको लाना कितना था, आपको लाना था 33 नंबर, यानी ऑलरेडी जो है आप 2 मार्क्स और ज्यादा लेके आ गए हैं, यानी 33 आपको लाना था और आप लेके आ गए हैं 35 नंबर, तो आप क्लियर पास हैं। तो इस बार का जो 2024 का रूल ये होगा कि आपको जो है कंबाइनली जो है आपको 33 नंबर लाना होगा पास होने के लिए, ये दोनों मिलाकर। अब यहाँ पर ये भी चीज़ों को समझ लीजिए, यहाँ पे 20 की जगह ये भी हो सकता है कि आप जो है 25 नंबर लेके आए हों, या फिर जो है यहाँ पे 15 की जगह ये भी हो सकता है कि आप क्लास में जो है एक अच्छे बच्चे हैं, आप जो है एवरेज में आते हैं या फिर अबव एवरेज में आते हैं, और टीचर्स ने जो है आपको यहाँ पे जो है 15 नहीं बल्कि आपको यहाँ पे 18 दे दिया हो, तो आपको जितना भी नंबर दिया हो सिंपली आपको क्या करना है, आपके जो बोर्ड में नंबर है और प्लस जो है टीचर्स ने आपको जितना दिया है उसको ऐड कर दीजिए, और जो आएगा वही आप लोग का यहाँ पे क्या होगा, पासिंग क्रिटेरिया उसी से डिसाइड होगा। कंबाइनली जो मार्क्स आएगा उससे आपका पासिंग क्रिटेरिया यहाँ पे डिसाइड होने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है पासिंग क्रिटेरिया। अब हम यहाँ पे समझते हैं 11th और 12th का, क्योंकि 9th और 10th वाले ने, आई होप आप लोग को जो है यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट लिख दीजिएगा, सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए। 9th और 10th का जो है पासिंग क्रिटेरिया कैसे डिसाइड होगा और कितने नंबर लाने होंगे, अब 11th 12th पे भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप जो है 10th पास करके 11th में आए हैं और आपकी क्लास क्या है 11th है, या फिर जो है आपकी क्लास अगर 12th है, तो आपके लिए भी जो है पासिंग क्रिटेरिया क्या होगा, सेम होगा। 11th और 12th के लिए जो है सेम है, जिस तरीके से 9th और 10th का सेम था उसी तरीके से 11th और 12th क्लास की जो है पासिंग क्रिटेरिया सेम है। आपके लिए क्या है पासिंग क्रिटेरिया ये भी देख लीजिए। तो 11th 12th का पासिंग क्रिटेरिया यहाँ पे कोई कंबाइन नहीं होने वाला है, तो पहली बात जो आप लोग यहाँ पे देखिए, काफी लोग कह रहे हैं कि कंबाइन वाला जो है यहाँ पर होगा, तो कंबाइन पूरी तरीके से गलत है। बोर्ड ने कहा है कंबाइन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आपको जो पास होना है अलग पास होना है, यानी जो पहले रूल था वही सेम रूल को जो है यहां पर भी आगे इंप्लीमेंट किया गया है 11th और 12th के लिए। तो जो बच्चे यहां पे 10th पास करके जस्ट 11th में गए हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स 11th पास करके जस्ट 12th में आए हैं और फरवरी में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान से समझिएगा, आप लोग के एग्जाम जो है तीन अलग अलग टाइप के होंगे। कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम जो है आपके 70 मार्क्स का होगा, और कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम जो है आपके 80 मार्क्स के होंगे, और प्रैक्टिकल वगैरह की बात करें तो प्रैक्टिकल आपका यहां पे जो है 30 नंबर का होगा, और एंट्रेंस इसमें जो है आपके यहां पे 20 मार्क्स के होंगे। एग्जाम आप किसका देंगे, तो एग्जाम आप इसका देंगे 70 मार्क्स वाले का एग्जाम देंगे, 80 नंबर वाले का एग्जाम देंगे, और 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल जो होगा इसका एग्जाम देंगे। ये तो आपका इंटरनल असेसमेंट है जो टीचर्स आपको देंगे। तो मेनली जो है कुछ इस तरीके से चार आपके यहां पर हैं, जिसमें 70 मार्क्स वाले में जो है आपका यहां पे मोस्ट पॉपुलर आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट हैं, जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो यहां पे सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये सारे आपके 70 मार्क्स के हैं। इसके अलावा जो आपके बाकी सब्जेक्ट बच गए, आपके कौन कौन से बच गए, यहां पर इंग्लिश बच गया, मैथ बच गया, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है यहां पे क्या है 80 नंबर का है। कॉमर्स वाले भी बात करें तो कॉमर्स वाले का जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है यहां पे 80 मार्क्स का होगा या फिर 70 मार्क्स का होगा। तो इसी तरीके से सभी का है। आर्ट्स वाले का भी बात करें तो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ सब्जेक्ट या तो 80 नंबर के होंगे या फिर 70 मार्क्स के होंगे, और ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट, ये हर एक सब्जेक्ट में होगा। जिस सब्जेक्ट में 80 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें 30 नंबर जो है आपके यहां पे इंटरनल असेसमेंट के, यानी 20 नंबर जो है 80 नंबर वाले सब्जेक्ट में, और जो 70 मार्क्स का पेपर होगा उसके 30 मार्क्स जो है आपके यहां पे प्रैक्टिकल के होंगे। अब पास कैसे होना है, तो पास आपको यहां पर कैसे होना है, आपको अलग अलग नंबर लाके पास होना है। अब पासिंग नंबर को यहां पे समझिए कितना है आपका पासिंग क्रिटेरिया, तो यहां पे जो है पास मार्क्स आपको लिख देता हूं, क्योंकि यही है आपका पास मार्क्स, आपको अलग अलग जो है यहां पे मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। तो यहां पे समझिए, सबसे पहले 70 मार्क्स वाले को समझते हैं। अगर आप 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं फरवरी में, तो आपको मिनिमम जो है यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा, 23 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। अगर 23 से जरा सा भी मार्क्स कम हो जाता है, अगर 22 भी हो जाता है, तो आपको एक नंबर से यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, 23 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, कोई कंबाइन मार्क्स यहाँ पे आपको हेल्प नहीं करने वाला। लास्ट ईयर जो है काफी सारे बच्चे इसलिए फेल हो गए, वो बच्चे कह रहे हैं कि मेरा जो है 100 में से यहाँ पे 33 नंबर है फिर भी मैं फेल क्यों हो गया। तो 100 में से 33 के बाद भी जो है बच्चे इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो यहाँ पे जो है कितने लेके आए थे, 20 नंबर लेके आए थे 70 में से,
और प्रैक्टिकल में मेनली जो है 30 नंबर सभी बच्चों को मिल ही जाता है। अगर 30 आपको मिल रहा है तो यहाँ पे टोटल हो जाता है 50 नंबर। बच्चे 100 में से 50 लाए थे फिर भी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? फेल होने का मेन कारण है कि बोर्ड का यहाँ पे पासिंग रूल ये है, 11th के लिए भी सेम यही है और 12th के लिए भी सेम है। आपको यहाँ पे थ्योरी में जो आपका 70 नंबर वाला पेपर होगा उसमें आपको भी 23 नंबर आपको कम से कम लाना ही पड़ेगा। और आगे के जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये भी बताऊंगा आपको इसमें कितना नंबर लाना है। तो 70 में से 23 आपको लाना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी इसके नंबर कम हो जाते हैं, 23 से आप 22 नंबर या 20 नंबर लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बेशक जो है आपका प्रैक्टिकल जोड़ के 50 या यहाँ पे 55 क्यों ना हो जाए, आपके अगर 23 से नंबर कम है देन कोई चांस नहीं है कि आपको यहाँ पे पास किया जाएगा। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया 70 नंबर वाला। अब 80 नंबर वाले सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर 80 नंबर वाले सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम कितना लाना पड़ेगा, 26 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। 11th के लिए भी सेम है और यहाँ पे 12th के लिए भी सेम है। अब आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इसके साथ होगा, देख लीजिए प्रैक्टिकल इसके साथ होगा और 80 नंबर वाले के साथ जो है इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है। फिर दोनों को कंबाइन करके आपको 100 में से टोटल जो है रिजल्ट में आपको मार्क्स डिस्प्ले होता है। तो 70 मार्क्स का जो है आपने यहाँ पे दिया, 70 मार्क्स वाले एग्जाम जो आपने दिया उसमें मिनिमम आपको 23 नंबर लाना है। अब वहीं हम सेम बात करें, आपका 70 नंबर वाला पेपर दे रहे हैं, 30 नंबर का जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। अगर आप 70 नंबर वाले सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, बायो का पेपर दे रहे हैं, तो साथ में आपका प्रैक्टिकल भी होगा, तो प्रैक्टिकल में भी आपको अलग से पास होना पड़ेगा। कितना नंबर लाना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे टोटल 10 नंबर। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 30 में से आपको कितना लाना है, 10 नंबर, तभी आप पास होंगे। फिर यही दोनों को जो है यहाँ पे ऐड किया जाएगा और दोनों को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाता है, 33 नंबर हो जाता है। तो रिजल्ट यही कहता है, पासिंग रूल ये कहता है आपका कि 100 में से आपका 33 होना चाहिए लेकिन पास दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे 23 नंबर और यहाँ पे जो है मिनिमम आपका 30 नंबर में भी से आपको कितना लाना पड़ेगा, 10 नंबर लाना ही पड़ेगा। अगेन एज इट इज इसमें बात करें 20 नंबर वाले सब्जेक्ट में, तो 20 नंबर में से आपको भी पास होना पड़ेगा। यहाँ पे टीचर्स जो नंबर दे रहे हैं यहाँ पर भी आपको खुद के पास होना पड़ेगा। टीचर्स जो आपको नंबर दे रहे हैं यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी रखनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर बिल्कुल भी टीचर्स के नंबर या कोई भी आपको हेल्प नहीं करने वाला, आपको हर एक जगह पे खुद अपने दम पे ही पास होना पड़ेगा। 11th और 12th के लिए पासिंग क्राइटेरिया डिफिकल्ट होता है, तो ये खासकर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो 26 नंबर वाला यहाँ पे जो है 80 में से 26 लाना होगा, बच गए इसके 20 नंबर जो आपके इंटरनल होंगे। इसका एग्जाम आपका नहीं होगा लेकिन आपके आपके जो पूरे साल का जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे नंबर देंगे। तो यहाँ पे 20 में से आपको कितना लाना पड़ेगा, मिनिमम 7 नंबर लाना पड़ेगा और 26 और यहाँ पे 7 मिला के अगेन जो है इनको ऐड करें तो कितना हो जाता है, 33 नंबर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है, पासिंग रूल। और ये आपका पासिंग रूल है, 100 में से 33 नंबर लाना है लेकिन कैसे लाना है मैंने आपको बता दिया, ये है आपका रूल। काफी सारे जो है यहाँ पे हर साल जो है ऐसा होता है, काफी सारे बच्चों का कंपार्टमेंट इस गलती में आ जाता है, वो ये सोचते हैं कि हमें 33 नंबर लाना है यानी 100 में से हमारे 33 नंबर लाना है, तो मेरे 33 नंबर हैं फिर भी मैं फेल क्यों हो गया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कई बार जो है बच्चों यहाँ पे हर साल होता है 23 में से जो है यहाँ पर बहुत ही कम नंबर लेके आ जाते हैं, 15 नंबर लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको पता ही है, प्रैक्टिकल और इंटरेस्टमेंट में जल्दी नंबर जो है कटते नहीं है, मेनली आप लोगों को फुल ही मिल जाता है। तो कई बार जो है 30 में से 30 यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे टोटल हो जाता है 45 नंबर। फिर बच्चे कहते हैं कि मेरा यहाँ पे 33 नंबर से ज़्यादा है फिर भी मुझे क्यों फेल कर दिया गया। तो उसका मेन रीज़न ये है कि वो इंटरनली नहीं समझते कि उनको कितना लाना होता है और किस तरीके से 33 की बात की जा रही है, 100 में से 33। अब मेन जो है वो ये पिक्चर देखते हैं कि मेरे 33 से ज़्यादा है तो मैं जो है यहाँ पर कैसे फेल हो गया। उनको जो है इंटरनली देखना होता है क्या थ्योरी में 23 नंबर है, क्या यहाँ पे जो है आपके प्रैक्टिकल में यहाँ पे जो है 10 नंबर है, तो ये इंटरनली देखना है। पासिंग रूल आपका ये है, ये सारा पासिंग रूल है और ये आपका जो है पूरी तरीके से लेटेस्ट जो है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए पासिंग रूल होने वाला है। 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए जो है ये रूल सेम होने वाला है। तो आई होप आपको पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 9th के स्टूडेंट्स भी और यहाँ पे 10th के भी और 11th के भी और 12th के भी, इस वीडियो पे लाइक टारगेट जो है यहाँ पे 100 में रख रहा हूँ। तो आप लोग से उम्मीद है, आप लोग से मुझे इतना यहाँ पे जो है आप लोग से भरोसा है कि आप लोग जो है 100 लाइक टारगेट को जरूर अचीव करिएगा और एक सब्सक्राइब को जरूर प्रेस कर दीजिएगा नीचे दिख रहे रेड बटन को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस तरीके से मैं आपको लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना भूल जाए ख्याल रखिएगा। जय हिंद।